Hey film, welcome back to the Denstar. So we are back again with another video on politics in India part 2 stand up comedy by Munawar Farooqi. ये मुझे लग रहा है अभी recently में तो सबसे requested video यही थी कि भाई part 2 करो. तो let's begin with the video. देखते हैं video कैसे बढ़ गया और start the video guys. बस आप subscribe कर देना and hit the notification bell ताकि जब भी video तो आप miss ना करो. Let's begin and देखते हैं part 2 कैसा है. तो start करो ताली मारना. Please welcome on stage the very funny Munawar Farooqi. एक साल पुरानी वीडियो. गुड इवनिंग कॉल करो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. पेंडेमिक के बाहर इतने सारे केसेस है, आप फिर भी आए. मेरे पे भी बाहर इतने सारे केसेस है. सो एक साल हो गया कंप्लीट तबलीगी जमात को. इसके बाद एक साल और हो गया कंप्लीट. क्या किसके फोन बज रहे? रिकॉर्ड किया ना तुम लोग ऐसे. इस मतलब मेरे को फोन नहीं दिख रहा, वो लोग ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और फ्लैश चालू है. लड़के लोग MMS बना रहे हो. यस यस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज क्लियर करना चाहूंगा. तो जो जोक होते हैं, मेरे जोक या किसी के भी जोक मोस्टली फिक्शनल होते हैं. आप लोग सबको पता है, पहले ही क्लियर कर दिया भाई. फिक्शनल होते हैं, झूठ होते हैं. ठीक है, झूठ होते हैं. इस हफ्ते वेस्ट बंगाल में स्टेज पे खड़े रहकर झूठ बोलने वाला मैं पहला गुजराती नहीं रहूंगा. So my name is Munawar Iqbal Farooqi. I was born and brought up in Gujarat. Survived in Gujarat. ये जोक मैंने एक साल पहले डाला था यूट्यूब पे. तो सब लोग पागल हो गए. राइट विंग वाले बोले आउटरेज चालू हो गया, कैसे कैसे बोल दिया गुजरात क्या. तो मैंने इसका सीक्वल जोक लिखा. द सीक्वल जोक इज आई थिंक आई सर्वाइव्ड बिकॉज आई बिलीव गवर्नमेंट इज नॉट गुड इन कंप्लीटिंग द टारगेट्स. ऐसा है क्या? कितने लोग ऐसे जैसे मैं जोक करता हूँ, डार्क जोक्स, सटायर, पॉलिटिकल, इस तरह के जोक करता हूँ, कितने लोग ऐसे जो वो सुन रहे हैं? Obviously, dude, वही सुनने आए हम. I have bad news for you guys. I have bad news. मैं गांड फट गया भाई. मेरे को नहीं करना है. देखो, जब तक ऑनलाइन हेट आ रहा था तब तक ठीक था. ऐसे कमेंट आ जाते थे यूट्यूब पे कि डॉक्यूमेंट्स ढूंढ, डॉक्यूमेंट्स कटवे. फैंस भी है, वो लोग रिप्लाई कर देते थे तमीज से भड़वे. तो ये ऑनलाइन हेट था. वो सहन हो जाता है. कमेंट कुछ भी आते थे. एक कमेंट आया, उसने लिखा आई एम स्केयर्ड टू कमेंट ऑन योर वीडियो. और मैं सोच रहा हूँ ये अक्षय कुमार मेरे वीडियो पे कमेंट क्यों कर रहा है. बट वो कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा भी लगा कि देश के बाहर के लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं. अक्षय कुमार पे जोक क्या था? आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो अक्षय कुमार ही. नहीं, आई लव अक्षय कुमार, पहले से पसंद है, बट मुझे पहले ज्यादा पसंद है. कौन से टाइम पे पता है? वो वाले भोली भाली लड़की खोल तेरे दिल की, वो गाना भी मेरा फेवरेट है. बट मुझे सिर्फ डांस नहीं पसंद, क्योंकि वो गाने में डांस में स्टेप ऐसे है भोली भाली लड़की. नाज़लेक चाहे जितनी भी भोली हो. ये तरीका गलत है. फिर लड़की का लाइन है, लड़की का लाइन है नहीं नहीं अभी नहीं. हाँ ऐसे होता है. लेकिन लड़की का स्टेप है, लड़की का स्टेप पता है क्या है?
नहीं नहीं अभी नहीं पहले कुछ अभी नहीं पिया ये रिफ्यूजल है ये दावत है तो ये था बॉलीवुड जोक मजा सिर्फ आप लोगों का एंटरटेनमेंट मैं जिंदा बस अभी सेफ रहेंगे कोई रिस्क नहीं ले मैंने और एक बॉलीवुड जोक सुनी 2019 24th में एक मूवी रिलीज हुआ था पीएम नरेंद्र मोदी व्हाट ये बॉलीवुड जोक है तो एक बॉलीवुड मूवी रिलीज हुआ था जिसका नाम था पीएम नरेंद्र मोदी अब उसी दिन सेम डे और एक मूवी रिलीज हुआ था किसी को पता है सेम डे 24 नहीं 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 डिज्नी का अलादीन एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया मोदी जी के सामने कोई मुस्लिम खड़ा है और फुटफॉल्स यहाँ ज्यादा है मैं भी गया देखने पीएम नरेंद्र मोदी तो मल्टीप्लेक्स वाला बोलता है 3 लोगों में शौचालय नहीं करते तो वहां से विवेक ओबरॉय संबित पात्रा दोनों डिसअपॉइंट होके चले गए तो मैं गया देखने फिर अलादीन अब अलादीन मूवी देखना शुरू किया मूवी स्टार्ट हुई और मूवी के बीच में मुझे रियलाइज हुआ कि असली बायोपिक मोदी जी का तो ये है अलादीन फकीर आदमी है और झोला लेके घूम रहा है कालीन पे बैठ के इधर उधर इधर उधर नहीं बहुत बढ़िया मूवी बेहतरीन आप लोगों ने अलादीन नहीं देखी सबने देखी कार्टून तो देखे होगा बचपन राइट अलादीन का एक तोता रहता है पता है क्या नाम उसका योगी यागो ओ सॉरी नाइस वन ये अच्छा था सॉरी इट्स यागो गाइस इट्स यागो मैं वो कंफ्यूज हो गया तोता ऑरेंज कलर का है ना भाई। So, अलादीन का बेसिक नरेशन सभी को पता है अलादीन ब्यूटीफुल मूवी जब भी अलादीन को अपनी कोई भी विश पूरी करनी होती है तो वो अम्मा चिराग घिसता है चिराग में से जिन बाहर आता है और अलादीन को पूछता है कि क्या ख्वाहिश है तेरी बता 3 विश पूरी करूंगा पहली विश बता अलादीन बोलता है राजा राजा दूसरी विश पूरी कर देता है अब बात है थर्ड विश बची हुई अलादीन की और इट्स अ क्लाइमैक्स ब्यूटीफुल सीन ऑफ द मूवी मुझे बहुत पसंद है वो सीन उसमें जिन जो है वो डूबते रहते हैं और अलादीन को जिन को बचाने के लिए किसान सॉरी गेट अ टाइमिंग डूड सॉरी अपनी लास्ट विश जो है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ती है जिसकी वजह से वो किसको बचा सके जिनको हाँ तुम लोग कोई भी अगर अम्मा नहीं बोलता ना मैं बोलता है उसको बचाने की जरूरत नहीं तो ये था हॉलीवुड जोक शो का लेवल बढ़ रहा देख रहे हो कहाँ से शुरू किया था हाथी चिट्टी बॉलीवुड अभी हॉलीवुड पहुंच गए अभी हॉलीवुड से आगे पता है क्या है नहीं हॉलीवुड से आगे है इंसेप्शन इंसेप्शन मूवी देखिए सब देखिए सब ने देखिए इट्स बियॉन्ड हॉलीवुड इट्स ब्यूटीफुल अमेजिंग तो ये जोक है इंसेप्शन जोक ठीक है तो मैं सो रहा था और मैं सपना देख रहा था तो मेरे सपने में होम मिनिस्टर साहब आए अपन थोड़ा खफा रहते ना तो मैं सो गया हट
मेरे को बोलते सुन तो ले तुम्हें आधार कार्ड दिया हमला जाओ यार. अरे भाई सोने दो. सुबह जॉब पे जाने गए. जॉब है ढूंढने जाने गए. ढूंढने जाने गए. क्या है बोलो. बोलते तुम मुस्लिम्स के साथ जो लिंचिंग हो रही है ना इंडिया में, मैं उसका सल्यूशन लेकर आया हूँ. वापिस बोलो जरा. मेरे को सुन के यकीन नहीं हो. बोले ये क्या है. बोले क्या सल्यूशन है. बोले जस्ट इमेजिन. नाइस हाइपोथेटिकली बताता हूँ सल्यूशन. तो बोले हाँ बोलो. इमेजिन कर रहा हूँ आज से सभी मुसलमानों को सीने पे बम बांधना लीगल. बोले ये कैसा सल्यूशन हुआ. बोले अब इमेजिन कर. बोलो 40 लोग जब एक आदमी को मारने जाएंगे और वो आदमी अगर शर्ट के दो बटन अरे भाई तो 40 लोग की क्या कांड फटेगी. नहीं वो जब उसको मारने जाएंगे कि मारो मारो इसके पेट में बीफ है मारो इसको, एक समझदार होगा ना बोलेगा सीने पे आरडीएक्स से भागो. ऐसी फटेगी उन लोग खुद टिफिन से निकाल के खाएंगे. बोलेंगे अरे ये तो चिकन है. अरे अब्दुल्ला भाई. ओ अब्दुल्ला भाई ये तो चिकन है. बोले हाँ यहाँ पे चिकन है ना, लैब में जाएगा बीफ हो जाएगा. मैंने बोला आइडिया तो अच्छा है बट अच्छा तो बनाओगे. बोले वो भरोसा करना पड़ेगा. ये होगा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट. बोला अच्छा बनाओगे कि नहीं. बोले वो भरोसा करो. गवर्नमेंट ब्रिज बनाती है लोग मरते ये तो बम है. और बोले ये सिर्फ लिंचिंग का सलूशन नहीं है और 3 बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन है. बोला क्या है. तो बोले फर्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट. जो इंजीनियर्स को हम जॉब नहीं दे पाए उनको बम बना दिया. मतलब समझ रहे हो जो इंजीनियर सुसाइड कर रहे थे अब सुसाइड बम बना रहे. अरे भाई. बोले दूसरा सुन पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इफेक्ट. अशफाक आएगा ना ड्यूटी फ्री में बम लेने. 2 लक्ष्मी बम पार्सल. कराची के मदरसा में फोड़ेंगे. बोला तीसरा. बोले विमेन सेफ्टी. बोले ये होंगे स्मार्ट सुसाइड बम बुरखे के अंदर इनबिल्ट. वो बोलते ना रजिया बुरखे में बम लग रही है. रजिया के बुरखे में बम है. अब रजिया गुंडों में फंसेगी गुंडों की फटेगी. मैं बोला यार क्या बात है. मतलब तुमने तो मतलब 3 बड़े सल्यूशन मतलब एक चिड़िया से 3 पत्थर मार दिए. बट मैं आप लोग ऐसा क्या मैं ऐसा उल्टा हूँ. ये टेनेट जोक था. अभी तुम लोग 3D में देख रहे हो कॉमेडी. तो मैं तो सुन के ही खुश हो गया. बोले होगा स्मार्ट सुसाइड बम 24/7 अवेलेबल फ्री डिलीवरी अमेजोन. अमेरिकन कंपनी से बेटर बॉम्ब डिलीवर कौन करेगा. आप सोच रहे हो भाईचारा कितना बढ़ जाएगा. स्मार्ट सुसाइड बम है ना कोई भी बोलेगा गो टू पाकिस्तान एक्टिवेट. मैं तो सपने में ऐसा सोचने लगा यार ये तो अच्छा आदमी है. मैं सपने में सोच रहा हूँ कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा. ये आदमी को अपन गलत समझते. ये तो अच्छा इंसान. मेरा हृदय परिवर्तन होने लगा कि मैं मुनव्वर से मनोहर कर लूँ. मैं इमेजिनेशन में चले गया. आप देखो ना स्कूल में रोहन को नाखून टेक चेक कर पीटी टीचर लेकिन रेहान को चेक करने बम स्क्वाड आ रही. रेहान ने बम नहीं बांधा प्रिंसिपल कंप्लेंट कर रही. मिसेस खान कितनी रिस्पॉन्सिबल मां हो. वर्ल्ड में चले गए भाई. रेहान को बम बांध के नहीं भेजो. बोलते मैडम गर्मी होता है. कितना सब कुछ अच्छा हो जाएगा. बट जब कोई इतनी अच्छी चीज़ आप सुनते हो देखते हो तो आपको इसके
डिसएडवांटेज भी दिखाई देते. तो मैंने सवाल किया, मतलब व्हाट इफ लिंच करने वालों ने बम को डिफ्यूज करना सीख लिया तो? बोले ओ वैसे पढ़े लिखे तुम लोग. बोलो, बोले मैंने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया है. हर बम के अंदर दो तार होगी, एक होगी सैफरन कलर की और दूसरी होगी ग्रीन कलर की. पता था मुझे. बोले देख सैफरन वाली तो लोग काटेंगे नहीं, और हरा कौन सा पहली बार कटेगा. नाइस वीडियो, बट ना मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ पहली वीडियो के बाद जो हमने पहले देखी थी उसके बाद थोड़ा सा चेंज आया इन टर्म्स ऑफ वही कि इन टर्म्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस कह सकते हो. बट जैसे पहले बोला था जस्ट स्टार्टिंग में मुनावर ने कि ये वीडियो होती है जो फिक्शन होती है, झूठ होते हैं सारे के सारे. तो जस्ट एन्जॉय द वीडियो एंड बाकी मजे लो. yes. यार क्या फ़र्क पड़ता है, बाकी भी एन्जॉयड भी हो, आपको मज़ा होगा एंड आपको मज़ा आया तो शुरू को आपको पता क्या करना है. Thumbs up and subscribe to this channel. Yes, you can follow us on Instagram. That's yes. it. Link is in description. One and just remember one thing, you have to go into shine. Take care, bye bye.